2024 लोकसभा चुनाव की लड़ाई काफी रोमांचक होने वाली है, जहां एक ओर 38 दलों का गठबंधन एनडीए है तो दूसरी ओर 26 अलग अलग विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया है। 38 दलों में ना नेता को लेकर कोई कंफ्यूजन है, ना ही नीति को लेकर, लेकिन इंडिया का नेता कौन होगा इस पर अभी तक सिर्फ अटकलें ही हैं। दिल्ली में मंगलवार को एनडीए की मीटिंग हुई। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए के घटक दल के नेताओं से मुलाकात की। नेताओं से मुलाकात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने हनुमान एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को गले लगा लिया, जिसका वीडियो अब सुर्खियों में छाया हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एनडीए घटक के नेताओं के बीच खड़े चिराग पासवान को पीएम मोदी ने अपने पास बुलाया और उनके गालों को थपथपाते हुए उन्हें गले लगा लिया। पीएम मोदी के प्रति चिराग पासवान की वफादारी जग जाहिर है। 2014 लोकसभा चुनाव में चिराग की ही सलाह पर रामविलास पासवान ने एनडीए के साथ गठबंधन किया था। इसके बाद से ही चिराग पासवान हमेशा पीएम मोदी के साथ रहे हैं। चिराग एनडीए गठबंधन में रहें या नहीं रहें, लेकिन बीजेपी का समर्थन करते आए हैं। पीएम मोदी ने चिराग को गले लगाकर महागठबंधन को साफ संदेश दे दिया कि बिहार के लिए चिराग क्या मायने रखते हैं और चिराग पीएम मोदी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आपको बता दें, चिराग में वो पूरा दमखम है जो महागठबंधन के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। 2022 में बिहार में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, इसमें 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। इस चुनाव में चिराग पासवान ही बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। महागठबंधन को सिर्फ अनंत सिंह की सीट पर जीत हासिल हुई। वहीं 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और ज्यादातर ऐसी सीटों पर उम्मीदवार दिए जहां से जेडीयू के उम्मीदवार मैदान में थे। जेडीयू की सीटों की संख्या पिछले चुनाव के मुकाबले 28 कम करने में वे सफल रहे। जेडीयू 43 सीटों पर ही जीत सकी, इससे नीतीश की पार्टी को झटका लगा था। इसके अलावा 2014 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान एलजेपी के उन 6 सांसदों में शामिल थे जो मोदी लहर में जीते थे। वही एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इसके पहले एनडीए गठबंधन वाली वाजपेयी सरकार में भी केंद्रीय मंत्री रहे थे। आपको बता दूं, रामविलास पासवान एकमात्र ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था।